हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यार मैं देखता हूँ कि आजकल जो है भाई हम लोग मतलब जैसे है यार, आपको ऐसा बंदा जिसको बाइक की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर वो बाइक लेने जा रहा है तो सबसे पहले यार हमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि हमें नेकेड सेगमेंट के साथ में जाइए या स्पोर्ट सेगमेंट के साथ में जाना चाहिए। एक्चुअल में हमें दोनों में कौन सी बाइक के साथ में जाना चाहिए। सो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में आप लोग ये तो समझ गए होंगे, टाइटल पढ़ लिए होंगे कि हम किन बाइक्स के बीच में कंपेरिजन करने वाले हैं। एक तरफ है नेकेड स्पोर्ट बाइक और एक तरफ है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक। अब ये दोनों में आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए, आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में बात करने वाले यामाहा R15 वर्सेस यामाहा की MT15 के बारे में। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों बाइक के प्राइस कंपैरिजन के बारे में कि दोनों में आपको कितना प्राइस कंपैरिजन देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, अगर बाइक ले रहे हैं तो सबसे पहले तो भैया प्राइस के बारे में ही पता होना चाहिए। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सीधे ऑन रोड प्राइस के बारे में बताऊँगा। यामा की जो MT15 है वो हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 198,000, 198,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक एक्स रूम जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों अगर यामा की R15 के बारे में, तो यामा की जो R15 है V4 के बारे में, तो आपको बता दूं मैं आप लोग को यहाँ पर रेसिंग ब्लू कलर लिया हुआ, और रेसिंग ब्लू कलर जो है इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कलर ऑप्शन, क्योंकि इसमें फीचर भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें किक शिफ्टर आते हैं उन मॉडलों में नहीं आते। ये आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड 221,000, 221,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप MT15 और इसमें कंपेयर करते हो तो MT15 की जगह अगर आपको ये लेना है तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 रुपये के आसपास का जो है ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको R15 में ज़्यादा भी मिलेगी, आप ये भी ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट तो दोस्तों आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि अगर आपको बाइक का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एक तरफ है नेकेड स्पोर्ट बाइक और एक तरफ है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलता दोनों बाइक में। उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं फ़र्क बोला वो मैंने बोला इसके इंजन और परफॉर्मेंस में, लेकिन इसमें जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा फर्क है नेकेड और फेयरिंग स्पोर्ट बाइक में। R15 आपको बड़ी बड़ी भरी भरी लगेगी और MT15 आपको छोटी नेकेड स्पोर्ट बाइक मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन कंपैरिजन के बारे में कि इंजन में आपको दोनों बाइक में कितना डिफरेंसेस देखने को मिलता है। बाकी एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत कम डिफरेंसेस है। R15 में आपको इंजन टाइप में आपको बताना चाहूंगा 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4 वोल्वो VVA टेक्नोलॉजी के साथ में इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। एंड MT15 में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4 वोल्वो सिंगल सिलेंडर VVA के साथ में आपको इसमें भी जो इंजन है वो देखने को मिल जाता है, सेम इंजन कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। अगर बात कर ले दोनों के पावर के बारे में तो आपको बताना चाहूंगा MT15 में आपको मैक्सिमम पावर में 18.4 की PS पावर आती है ना, R15 में भी आपको 18.4 की PS पावर आती है, जो कि दोनों ही बाइक 10,000 RPM में पावर जनरेट करती है, मतलब 10,000 RPM में रेट लाइन होती है। एंड R15 में भी 14.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, MT15 में 14.1 का न्यूटन मीटर टॉर्क है। 0.1 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बाइक जो है ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस करती है। बट एक मिनट जरा ठहरी है, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए जो R15 है वो टॉप एंड में MT15 से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है। फेयरिंग स्पोर्ट बाइक जो होती है वो विंड ब्लास्ट को कम फेस करती है, तो कम फेस होने की वजह से दोस्तों वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू MT15, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कूलिंग सिस्टम में आपको दोनों बाइक में लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में आपको दोनों बाइक में FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। दोनों ही बाइक जो है वो 6 गियर के साथ में आती है। दोनों ही बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है। एक मेजर आपको फर्क मिलेगा कि अपनी जो R15 V4 है उसमें आप लोगों को किक शिफ्टर देखने को मिलता है। जी दोस्तों, इसमें किक शिफ्टर जो है वो ऐड कर दिया गया है, ध्यान रखिए। और अगर बात कर ले दोस्तों MT15 के बारे में, तो फिलहाल MT15 में आपको किक शिफ्टर नहीं मिलता, तो एक माइनस पॉइंट है MT15 में आपको देखने को मिल जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों ही बाइक के मतलब परफॉर्मेंस प्लस माइलेज के बारे में। इंजन के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया कि दोनों बाइक में आपको ऑलमोस्ट सेम इंजन देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों बाइक जो है सेम परफॉर्म करके आपको निकाल कर देगी। चलिए बात कर लेते हैं दोनों बाइक की माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज में आपको बताना चाहूँगा MT15 और R15 में कोई फर्क नहीं, दोनों बाइक अराउंड 40-45 के आसपास का जो माइलेज है इजिली आपको निकाल कर देती है। टॉप एंड में थोड़ा R15 ज़्यादा है, वो 150 तक
तक टच होती है और MT-15 135 तक इजीली चले जाती है। 0-100 में MT-15 को लगभग 12.08 सेकंड लगते हैं और अपनी जो RN5 है उसको अराउंड 10.1 सेकंड लगते हैं, क्योंकि विंड ब्लास्ट कम फेस करती है तो वो ज़्यादा जल्दी चली जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों बाइक के फ्रंट में। सबसे पहले बात कर लेंगे दोनों के सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दोनों ही बाइक में आप लोगों को बाइक में 37mm के USD फॉक्स यानी कि अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। दोनों बाइक की जो सस्पेंशन है बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छे सस्पेंशन यूज किए गए हैं। टायर साइज में दोनों में सेम टायर मिलेंगे आपको 110 80 का जो टायर है, सॉरी 110 80, ठीक है 180 का जो टायर है दोनों में फ्रंट में मिलता है। ब्रेकिंग में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एक बहुत बड़ा मेजर आपको फर्क मिलेगा, अपनी जो RN5 है उसमें आप लोगों को दोस्तों डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन MT-15 में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा मेजर आपको फर्क मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब MT में ये लोगों को अपडेट कर देना चाहिए यार। बाकी प्लेट साइज दोनों में 282 की जो प्लेट है वो आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है। चलिए लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप RN5 की लाइट देख लीजिए। RN5 में आप तो देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी जो LED डियरल लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलती है, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। मेन लाइट के बारे में बात करें तो बाइक में आपको सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगी। अब भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी छोटी सी LED प्रोजेक्टर लाइट है ये क्या ही परफॉर्मेंस करेगी। ना 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 भैया, इसकी जो लाइट की परफॉर्मेंस है ना उसको हल्के में मत लेना, बहुत अच्छी लाइट यहाँ पे यूज़ की गई जिसकी इल्यूमिनेशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक की सबसे टर्न सिंगल लैप दोनों में बल्ब है, कह रहा था MT के बारे में बात करें तो MT में भी आप लोगों को सबसे पहले छोटी छोटी LED डियरल लाइट देखने को मिलती है एंड MT-15 में भी आप लोगों को फुली LED सेटअप में यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट जो है बाइक में आपको देखने को मिलता है। सेम प्रोजेक्टर लाइट दोनों ही बाइक में यूज़ किया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों दोनों बाइक की जो लाइट की मतलब क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब दोस्तों आ जाते हैं रियर की तरफ। रियर में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो टेल लाइट है वो आपको दोनों बाइक में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे यूज़ की गई दोनों की टेल लाइट जो LED है। रियर में दोनों बाइक में आपको जो टायर साइज देखने को मिलेंगे वो 140/70 की जो टायर साइज है रियर में दोनों बाइक में मिल जाते हैं। प्लस दोस्तों बात करें रियर ब्रेकिंग के बारे में तो दोनों बाइक में 220mm की जो डिस्क प्लेट है वो यूज़ की गई है। प्लस सस्पेंशन में आपको दोनों ही बाइक में बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छे सस्पेंशन मोनोशॉक जो सस्पेंशन आपको दोनों बाइक में मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप MT-15 का स्पीडोमीटर देख लीजिए। MT-15 में आपको देख पा रहे कि फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। फीचर्स की कोई कमी नहीं है, फीचर आपको MT में भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, इवन आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी भी MT-15 में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है बाइक में नहीं आने वाली, स्पीडोमीटर की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। बट दोस्तों अगर बात करें अपनी RN5 के बारे में तो RN5 में भी आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बट इसकी जो है लुकिंग वाइज इसकी जो मतलब विजिबिलिटी है मीटर की वो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू MT-15। तो ये नया स्पीडोमीटर है, ध्यान रखिए ये भी नया यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, सारे फीचर आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फीचर्स की इसमें भी कोई कमी नहीं आती। फीचर्स के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर सीट, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न का स्विच मिलता है, राइट हैंड साइड में इंजन ग्रिल स्विच, सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको फीचर जो है अपनी RN5 V4 में थोड़े ज़्यादा बेटर मिलेंगे एज कम्पेयर टू MT-15। अब दोस्तों ये दोनों का कंप्लीट कंपेरिजन हो गया, बट आप पूछेंगे विच वन सूड यू बाय, आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए। देखिए यार मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे दोनों ही बाइक बेस्ट है, आप सिर्फ दो चीज़ों में कंपेयर करो, एक तो लुक में और एक तो कम्फर्ट में। लुक अगर आपको RN5 का ज़्यादा अच्छा लगता है गो फॉर RN5, किसी किसी को MT का अच्छा लगता है वो MT के साथ जा सकते हैं। और कम्फर्ट अगर आपको कम्फर्ट चाहिए तो गो फॉर MT-15, अगर कम्फर्ट नहीं चाहिए तो गो फॉर RN5 V4। बाकी मेरे हिसाब से दोनों बाइक में और कोई कंपेरिजन करने की चीज नहीं है। बाकी आप बताइएगा दोनों में कौन सी अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।